हे बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, काफ़ी टाइम बाद, मतलब 3 से 4 दिन ही हुए हैं, लेकिन यार हो जाता है कभी कभार यार, मतलब रिकॉर्डिंग में होती बहुत मसला हुआ था। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डुओ सर्वाइवल सीरीज विद वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड स्केपी के साथ। फिर से SMP में भी आया था, आज इधर भी आया। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं डुओ सर्वाइवल सीरीज। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप स्केपी की आवाज़ सुनना चाहते हो इन गेम की। वैसे तो मैं सुना दूंगा, वैसे कोई मसला नहीं है, वैसे तो अभी नहीं सुना रहा, वो खुद ही मना कर रहा था। तो अभी हम लोग सिर्फ गेम खेलते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम होता है हम लोग को थोड़ी वुड वुड लेना, तो जल्दी से वुड लेते हैं। स्केपी को मैं बोल देता हूँ, स्केपी तुम खाना इकट्ठा करो, मैं वुड इकट्ठा करता हूँ, टूल्स बनाते हैं, फिर कोई जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर माइनिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं नीचे चले आता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस नीचे थोड़ा बहुत चले आता हूँ। वहाँ पर थोड़ा स्टोन लेने जाता हूँ, ताकि हम लोग स्टोन के टूल्स बना सकें। माइनिंग करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ उसके भी चल थोड़ी देर दूर चलते हैं। उसने भी थोड़ा बहुत खाना ले लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था थोड़ा बहुत। तो हम लोग थोड़ी बहुत दूर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा मोटा आइलैंड होता है, तो हम लोग को एक प्लेन जगह चाहिए होती है, वहाँ पर हम लोग शीप लेके बेड्स बना सकें। लेकिन आप आगे देखो क्या होता है। काफ़ी देर तक केव ढूंढने के बाद हम लोग को केव नहीं मिलती, मेरे पास खाने की भी हालत ख़त्म हो जाती। तो मैं स्केपी को बोलता हूँ, स्केपी हम लोग को केव में गुजारना पड़ेगा। तो हम लोग इस केप में एक अपना एक छोटा सा एरिया बना देते हैं, और हाँ, मैंने कोऑर्डिनेट्स भी ऑन कर लिए थे। तो सर फटाफट से हम लोग यहाँ के मुझे एक केप मिलती है, वहाँ पे चले आते हैं, क्या कि हम लोग को वहाँ पे आयरन कोल वोल मिल सके, थोड़ी बहुत एक शील्ड बना सकें दोनों एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले वो काम करते हैं, कुछ कोल से हम लोग टॉर्चेस बना लेते हैं, थोड़ी बहुत रोशनी हो जाती है, और यहाँ से थोड़ा बहुत कोल ले लेते हैं, और फिर आयरन भी। बस ये सीन चेक करना, बस अब मैं कैसे बचूँगा। मैं उधर बहुत मुश्किल से बच जाता हूँ, लेकिन बच जाता हूँ भाई मैं। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एरिया बना लेता हूँ, क्या कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ रह सकें। तो चल चलो फटाफट से वो बना लेते हैं। तो ये मैंने एरिया बना लिया था, और उसके भी थोड़ा बहुत आयरन कोल ले आया था, और मैं जब तक इसको बनाने में लगा हुआ था, तो उसके भी इसको फर्नेस में डाल लेता है, और फिर हम लोग देख लेते हैं ये किसने आयरन कोल डाल दिया था। तो मैं कोल डाल देता हूँ, इसने आयरन डाल दिया था, और ये खाना भी पका देता है। तो स्केपी ने बड़ा अच्छा काम किया, और मैंने भी अच्छा काम किया। तो हम लोग बस किसी तरीके से ना यहाँ पे स्पेंड करने का ट्राई करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बचने की। तो सुबह जब तक हो रही होती है, मैं डिसाइड करता हूँ कि थोड़ा बहुत आयरन वायरन माइन कर लिया जाए, कोल वोल ढूंढ लिया जाए, क्या कि हम लोग एक तकरीबन शील्ड बना सके अपने लिए। आर्मर हमारे इस कोल का एपिसोड है, जैसे कि हमारी सर्वाइवल सीरीज थी, उसमें हर एक कोल था, तो इससे में भी गोल ही होगा। और सर्वाइवल सीरीज की इसके बाद, या फिर इसके मॉड की भी हो सकती है, कि मॉड से दिखाऊंगा मैं आपको कुछ। तो फटाफट से बस बाहर निकल ही जाते हैं, सुबह हो जाती है बस। तो यहाँ पे सुबह हो जाती है, और हम लोग शीप को ढूंढने के लिए निकले हुए होते हैं, और मैं यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। मुझे फाइनली यहाँ पे शीप मिलती है, उसको मैं शेयर करता हूँ, तो मुझे 3 वूल मिल जाती है। अब आगे हम लोग 2 शीप मिलती है, जिससे हमारा काम हो जाता है। लेकिन स्केपी ने 1 शीप को मार दिया, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। तो 1 शीप से फिर हम लोग को 1 ही वूल मिला, और 2 वूल मिले थे मेरे ख्याल से, यस 2 वूल मिले थे। सिर्फ एक और वूल चाहिए था, हम लोग 6 3 2 बेड बना के फिर माइनिंग पे जाते हैं आराम से, फिर मतलब वहाँ पे ना आयरन का आर्मर वार्मर बनाते, लेकिन हो जाता है। तो यहाँ पे मैं स्केपी को बोल देता हूँ कि तुम यहीं पे रुको, खाना वाना स्मेल्ट करो, मैं तब तक एक शीप को ढूंढ कर आता हूँ, वहाँ से हम लोग थोड़े बहुत वूल लेके 2 बेड बना सके, और उधर मतलब हमारा सूरज सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ सके। उसके भी मान जाता है, उसके भी यहीं पर रुकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं फ़ौरन आ जाता हूँ यहाँ से, बस फर्नेस बना लेता हूँ उसके लिए, 3 फर्नेस बहुत ज़्यादा बना लिए थे, लेकिन खैर पता नहीं अब। उसके आगे हम लोग फिर मैं शीप को ढूंढने जाता हूँ, मुझे शीप मिल भी जाती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ का सॉरी करना चाहता हूँ, जिससे आपको लग भी सकता है कि मैं क्रिएटिव यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिव यूज़ नहीं हुई थी, क्योंकि पहले भी हम लोग इसकी एक एपिसोड रिकॉर्ड कर चुके हैं एक अलग वर्ल्ड में। उसमें क्या होता है, जिस ऐप से मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, वो 42 मिनट्स के बाद मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करने नहीं देता, वो पूरी की पूरी वीडियो उड़ा देता है, डिलीट कर देता है, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत आराम से पॉज पॉज करके वीडियो बनानी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा आगे पहुँच गया। हम लोग को एक प्लेन बायोम मिली, उसमें एक प्लेन
मतलब केव भी मिल गया ये चीज़ ही, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उसको स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन अगली दफ़ा मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करूँगा इस ऐप का। मैं क्या करूँ, मैंने तकरीबन एक एपिसोड पूरी रिकॉर्ड कर चुका था, वो वेस्ट गए पूरे। तो यहाँ पे हम लोग बेड लगा के सो जाते हैं, और मेरी स्टोन की पिकैक्स भी टूट गई थी तो मैं उसको पहले बना लेता हूँ, फिर जाके यहाँ पे बेड लगाता हूँ और उसके पी और मैं फाइनली सो जाते हैं। और फिर उसके बाद होता है हमारा टाइम माइनिंग का, जिससे हम लोग आयरन ढूंढने जाएंगे। तो उसको मैं हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा क्योंकि आप बोर भी ना हो और आपको क्रिएटिव की भी नहीं लगेगी मैं क्रिएटिव यूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग आयरन स्मेल्ट करके खाना जो भी हम लोग को करना था वो स्मेल्ट करने के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। और जल्दी से जल्दी मैं स्कैबी को भी बाहर बुला लेता हूँ, और अब हम लोग चलते हैं। अपना जो गोल था वो कंप्लीट हो गया है। तो फाइनली मेहनत करने के बाद हमें मिल चुका है अपना आयरन आर्मर, और हमारे आयरन के टूल्स भी हो चुके थे। तो मैंने सारा स्कैपी को मतलब उसकी बकेट दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बस पागल चल जाता हूँ। स्कैपी बोलता है लाइक करो, देखो यार स्कैपी को बोलना स्कैपी को पसंद है, तुम लोग लाइक क्यों नहीं करते यार? जो भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट भी कर दो, शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। We'll be right back.